स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पे विद्यालय प्रांगण में मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह प्राचार्य की हैसियत से आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज इस राष्ट्रीय महापर्व पर हम सब भारत सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं और ईश्वर का शुक्र है कि हम सब अभी तक पूर्णतया सुरक्षित हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि हम लोग सुरक्षित रहते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज वाराणसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और इस महापर्व को सादगी एवं सौम्यता के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी हम सब इसी तरह से सबको सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगी कि हम सब दूर रहते हुए भी विद्यालय की प्रगति एवं उसके कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए तत्पर रहें और इस तरह से विद्यालय का कोई भी क्रियाकलाप उसमें बाधित न होने पाए, जैसा कि भारत सरकार की मंशा रही है कि हम अपना सभी कार्य करें लेकिन निश्चित दूरी बनाए रखते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए और विद्यालय में उपस्थित हों और उसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और आगामी सत्र की को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत रहें। जैसा कि विश्वविद्यालय का आदेश आया है कि आगामी सितंबर 2 सितंबर से थर्ड ईयर की परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है और हम सब ये प्रयास करेंगे कि हम लोग इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं एवं बधाइयों के साथ धन्यवाद। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वाराणसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश या कहें विश्व एक विशेष तरह की महामारी से गुजर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए बहुत ही सादगी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। विद्यालय प्रांगण में, महाविद्यालय प्रांगण में झंडारोहण हुआ है, उसके पश्चात आप सब के सामने हम ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत हैं। यहाँ पर हम अपनी बात उन अभिभावकों तक, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाना चाहते हैं जो निश्चित रूप से मानसिक रूप से इस महाविद्यालय परिवार से जुड़े हैं लेकिन उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं है। उन बच्चों तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं जो अभी आगामी 2 सितंबर को परीक्षा देने आएंगे। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान अपनी आने वाली परीक्षाओं पर दें। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज से 74 साल पहले आज़ाद हुआ था और अब तक हम सब ने उस आज़ादी कि जो महत्ता है या वो आज़ाद होने का जो जश्न है उसको हम साल दर साल यहाँ तक लेकर आए हैं। 74 साल छोटा नहीं होता, एक लंबी अवधि होती है। इस दौरान हमारे देश ने बहुत सारे चढ़ाव उतार को देखा है और निश्चित रूप से हम अभी जिस दौर में गुजर रहे हैं वो हमारे लिए एक सबक भी है और सोचने समझने का भी समय है कि कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उस दौरान को झेला होगा जब वो बंधन में पड़ते थे या जेल की बेड़ियों में डाल दिए जाते थे। आज हम 2 महीने 4 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद यह महसूस कर पा रहे हैं कि जो आज़ादी है उसकी कीमत कितनी महंगी होती है। इस आज़ादी को हमें बनाए रखना है और ये हम सब का जिम्मेदारी है, विद्यार्थियों की, हम सब शिक्षकों की या हमारे पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जब भी देश में इस तरह के ताकत फिर से सर उठाने की कोशिश करेंगे, जो हमारी आज़ादी को छीनने का प्रयास करेंगे,
उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हमें अपने पूर्वजों से, स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर आगे आने की कोशिश करना होगा या प्रेरणा लेना होगा। निश्चित रूप से हम सब प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पुनः मैं अपने सभी उन अभिभावकों को, अपने विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। इस पावन पर्व पर, स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर विद्यालय में हम सभी शिक्षक उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर रवि सिंह, प्रबंधक, सभी बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से बधाई शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को सत्र में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ वीर शहीदों को हम नमन करते हैं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम वीर शहीदों को नमन करते हुए हम उन सभी शिक्षकों, अभिभावकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सारे इस COVID-19 के दौरान में, स्वतंत्रता का COVID-19 के दौरान में वे अपने घरों में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बच्चे जो छात्र हैं वो अध्ययन अध्यापन का काम ऑनलाइन माध्यम से करते रहें। महाविद्यालय में ऑनलाइन की भी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी सारे छात्रों से ये है कि वो एक शिक्षकों से समय निर्धारित करके ले लें कि कब से कौन शिक्षक का क्या पाठ्यक्रम है, वो पढ़ते रहें, काम अपना करते रहें। और इसी के साथ साथ मैं पुनः सभी शिक्षकों को, कर्मचारी गण को, अपने छात्रों को, छात्रों के अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रबंधक जी, प्राचार्य जी और समस्त शिक्षकगण, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और हमारे जितने भी छात्राएं इस विद्यालय की हैं उनको बधाई। देश के तमाम छात्र छात्राओं को हम अपने कॉलेज प्रांगण की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा जो है देश COVID-19 से स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, सभी जो है गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने पढ़ाई को, अपने जो है अध्ययन को सुचारू रूप से चलाएं। हमारा निवेदन है कि जो हमारे विद्यालय के जो है, हमारे इस कॉलेज के जो छात्राएं हैं, जिन्हें अगर यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की कोई किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, वो टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड करें और हम लोगों से संपर्क करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं सभी जो है लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है हमारे हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारे सभी प्रिय छात्र आज 15 अगस्त मना रहे होंगे, और हम यही कॉलेज है और हमारे सर यही प्रबंधक हैं और मेरी प्रिंसिपल मैम हैं। तो ध्यान रहे कि सभी बच्चों को एक आशा होता है कि सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो ध्यान रहे कि यही मेरा कॉलेज है और मैं अपने कॉलेज में आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर उपस्थित हुए हैं और झंडारोहण किए। और इसके साथ ही हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। तो आप लोग भी जोश से, उल्लास से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाइए और आने वाले भविष्य में हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिस्टेंस का पालन करिए। बस आज इतना ही, फिर हम क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।